जी भाई लोग, ये पार्ट टू है हमारा। इसमें हम रेम्बो बुल दिखाएंगे और कुछ दूसरा माल इनका, ठीक है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगी आप लोगों को। ये चेक करें दोस्तों, ये रेम्बो बुल है। बाकी माल चेक करें, माशाल्लाह भाई साहब का, यासर भाई का कमाल कमाल है माशाल्लाह से। चेक करें, एक मिनट करते हैं बात, करते हैं बात एक मिनट। माशाल्लाह चेक करें भाई, अभी काफ़ी माल रहता है शायद आने को। अभी दोस्तों एक इंटरव्यू भी बनाएंगे हम इंशाल्लाह, जो पार्ट थ्री होगा हमारा इंशाल्लाह, उसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन देंगे हम। और उसके अलावा एक डॉक्टर साहब के साथ मैं इंटरव्यू करूँगा। डॉक्टर साहब के साथ मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड की थी, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो आप देखिएगा, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। बाकी चेक करें भाई माशाल्लाह, चेक करें भाई, क्वालिटी माल है माशाल्लाह। शौकीन भाइयों के लिए माशाल्लाह जी। दोस्तों पार्ट टू है, अगर पार्ट वन अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा तो वो ज़रूर देखें। उसमें हमने बहुत टॉप लेवल की भैंसें दिखाई हैं, टॉप क्लास कैटेगरी में। चेक करिए माशाल्लाह भाई, ज़बरदस्त। डर रही हैं पैसे। चॉकलेट चॉकलेट भैंस है भाई, ये नील माशाल्लाह। अभी काफ़ी माल रहता है शायद पीछे, आनंद ऐसा ऐसा एक करके देखते हैं माशाल्लाह। चेक करें भाई, गौर से देख रही क्या कर रहा बंदा। माशाल्लाह जी क्या बात है, ज़बरदस्त जी। ऐसे साहब साथ आए हैं, कुछ जो सबसे पहले बुल के बारे में बताया था भाई, ये छोटा का कितना अच्छा के बारे में साथ बताएंगे ना। जी डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो यासर भाई के बारे में कुछ बताएं हमें जी। यासिर साहब और उस्मान लोच साहब जी माशाल्लाह चौक कर रहे हैं जी, दर्शकों का अल्लाह ख्याल रखे। और कलेक्शन अभी तो बना रहे हैं इंशाल्लाह, जो हम कहते होते हैं ना जी के डीएनए बेस और रिकॉर्ड बेस फार्मिंग। अच्छा, बुल कंपनी में हमारा मोटो है कि हमारे तीन फार्म हैं और तीनों के ऊपर हम ये इम्प्लीमेंट प्रैक्टिकली कर रहे हैं माशाल्लाह। डीएनए भी हो और रिकॉर्ड बेस, हर जानवर का रिकॉर्ड मेंटेन हो, ताकि ये जो ज़ुबानी है ना जी, जो चक्कर इन सारे चक्करों से हम लोग निकल सकें। लोगों को क्वालिटी और ब्रीड इम्प्रूवमेंट का सारा दिन जो सोशल मीडिया पे शोर होता है, इसके अलावा ब्रीड इम्प्रूवमेंट नामुमकिन है। जो कहता है मैं कर लूँगा वो होता है। रिकॉर्ड नहीं आपको जानवर का लैक्टेशन का ट्रेंड बताना है, रिकॉर्ड नहीं आपको ये चीज़ें बतानी है। डीएनए बेस के ऊपर पूरी दुनिया में, डीएनए बेस के ऊपर ही इम्प्रूवमेंट आई है, ठीक है। जो जिस जानवर का बच्चा हो, जिस जानवर नर और मादा का बच्चा हो, वो उसी का ही होना चाहिए, ठीक है। हमारी सोसाइटी के अंदर ऐसा होता नहीं है। सही, हमारी सोसाइटी में 99% लोग किसी का बच्चा किसी कोई बुल और तीर कहीं पे लगाया हुआ होता है। सही, भैंस के डेवलप ना होने में सबसे बड़ी जो खामी है वो ये कजी, ये दो चीज़ें हैं ना, रिकॉर्ड लोग रखते हैं। अच्छा। और ना लोग जानवरों के अंदर बिल्कुल सही बात करने के आते हैं। कोशिश कर रहे हैं जी कि हम बुल कंपनी के पैनल से ये सब कुछ कर सकें। अच्छा, ताकि जो अल्लाह करेगा। आप कौन कौन से बंदे हैं जो काम कर रहे हैं इकट्ठे, नाम बताएंगे? हम तीनों हैं, एक हमारा भाई है आमिर राजा,
अच्छा। वो आज मसरूफ थे। अच्छा, तो भी उनका भी फार्म लाहौर में है। अच्छा, उनका माल काफ़ी अच्छा जी। हमारे लिए तो सारा ही सोना है। अच्छा जी, अच्छे बुरे का फैसला जो चीज़ अल्लाह ने दे दी वो बहुत अच्छी है। सही। वो तारीफ या तनकीद बोलो के हाथ में भी हमें तो जी माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। ठीक हो गया। तो वैसे टेक्निकली काम किस चीज़ पर कर रहे हैं आप लोग? टेक्निकली जी हम भैंस के ऊपर एक तो जी कोशिश ये कर रहे हैं कि अच्छे दूध वाले जानवर इकट्ठे करें और बिल्कुल फेयर गेम खेलते हुए गुड रिकॉर्ड की जानवर रखें और उनके आगे प्रोजनी डेवलप करें और फिर उनके रिजल्ट्स जो हैं उनको मेंटेन करें और देखें। तो आप समेत बहुत से दोस्त पूछते हैं जी आपके बुल्स क्या हैं? तकरीबन जी हमारे पास 8 बुल्स हैं माशाल्लाह, और अभी तक हम अपने किसी बुल को इसमें लोग कंफ्यूजन ये क्रिएट कर देते हैं कि शायद हम ये कहते हैं कि हमारे सारे बुल जो हैं वो प्रूवन हैं। ऐसा कुछ नहीं है, अभी हमने किसी को भी प्रूवन डिक्लेयर नहीं किया। हमारे पास जब 60% किसी की प्रोजनी माओ से अच्छा चली जाएगी तो इंशाल्लाह ये टाइम भी आएगा, ज़रूर करेंगे माशाल्लाह। तो फ़िलहाल हम ये बता सकते हैं कि ये बुल हमारे नॉलेज के मुताबिक किस किस लाइन से हैं। अच्छा, आगे फर्दर उनकी प्रोजनी हम अपने फार्म्स पे दे सकते हैं और हम जिन जिन भैंसों के बच्चे हैं वो जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ हम उसका बकायदा DNA का प्रूफ भी दे सकते हैं, सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं। वहाँ से आगे फिर जहाँ जहाँ परफॉर्मेंस आएगी उसको इंशाल्लाह हम मॉनिटर करेंगे। ठीक हो गया डॉक्टर साहब। उसके अलावा डॉक्टर साहब बच्चे हैं जी? बच्चे हैं बहुत है माशाल्लाह, आपको दिखाते हैं अभी बच्चे बुल वगैरह मैं मतलब जी जी अल्हम्दुलिल्लाह है। सेल करने का कोई प्रोग्राम? अल्हम्दुलिल्लाह है। वो अगर हमारे प्रोग्राम से ज़्यादा लेने वाले की ख्वाहिश पे डिपेंड करता है। अच्छा, थोड़ा सा अलमिया ये है कि हमारे सेक्टर के अंदर लोग अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तो तमाम रिकॉर्ड है। अच्छा, तो अगर कोई सीरियसली देखेगा तो आएगा हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह है, इसमें कौन सी कमाल है। हाँ, जिस माँ के होंगे जिस बाप के होंगे वो सारा हम रिकॉर्ड जो है वो देने का पाबंद है। अच्छा, और उसमें अगर कोई भी किसी भी किस्म की कमी बेशी है वो अच्छा। नहीं है मुमकिन इंशाल्लाह हमारे पास। सही सही माशाल्लाह। चलें ठीक हो गया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए। अभी इंटरव्यू करेंगे आपके साथ, अभी एक छोटा सा अब बुल वगैरह दिखा दें जैसर साहब। ठीक है, ये रोमिया बुल है, ये दूसरा बुल है माशाल्लाह इनका चक्कर में, ये अंदर चला गया माशाल्लाह, बहुत प्यारा माल है इनका। ये खुश्क है सारी भैंसें तकरीबन? नहीं खुश्क नहीं है सारी, उनमें से कोई है जो दो टाइम मिल रही है, बाकी ज्यादा एक्सपायरी है। अच्छा, हां जी, वो जो पहले आपको दिखाई है वो सारी अभी फ्रेश है। सही सही माशाल्लाह। ये भाई रोमियो बुल माशाल्लाह बहुत ही हाइट लेंथ है इसकी, कमाल की हाइट लेंथ है माशाल्लाह, चेक करें भाई, मेरी हाइट से बड़ा ये मेरे ख्याल से माशाल्लाह, कमाल का स्ट्रक्चर है, बहुत ही प्यारा बच्चा है माशाल्लाह से, क्या बात है माशाल्लाह। माशाल्लाह जी ज़बरदस्त। बाकी माल मैं आप लोगों को दिखा चुका हूँ इससे पहले, दूसरा जो टॉप लेवल का जो तैयार था इनका, बाकी ये कुछ भैंसें हैं समझें खुश किए हैं इनके, एक टाइम दूध दे रही हैं ज़्यादातर। ठीक है, बाकी माल माशाल्लाह कमाल का, स्ट्रक्चर कमाल का, भैंसों का कलेक्शन बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इतने नज़दीक ये लोग। मुझे आइडिया नहीं था वैसे दोस्तों इससे पहले कि डॉक्टर साहब 3 ग्रुप्स में काम कर रहे हैं, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था, अब मगर पता चल चुका है और ये माल वाकई देखने के काबिल है, शौक वाला माल है और रिकॉर्ड भी इनके पास तकरीबन पूरा मौजूद है, लिखा हुआ है। ठीक है, बाकी हर तरह की यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी इनके फार्म से, बाकी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है और मुझे पर्सनली बहुत माल बहुत अच्छा माल लगा इनका, काफ़ी टाइम के बाद ऐसा माल देखने को मिला है शौक वाला। बाकी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे मज़ीद इस तरह की वीडियोस बनाएं, बाकी एक इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाएंगे डॉक्टर साहब के बाद साथ।
हाँ बच्चे हैं तो दिखाएं ज़रूर, क्यों नहीं, बच्चे भी देखते हैं भाई, बच्चे देखने को मिले तो और क्या चाहिए भाई, लोग बच्चे देखने चलते हैं। माशाल्लाह बहुत प्यारा फार्म है ये बच्चे, माशाल्लाह क्या बात है। नहीं भाई जान मारे ना, बाकी ये बच्चे भी हैं, बाकी बच्चे दिखाते हैं स्विमिंग पूल चक्के हैं माशाल्लाह, ये बहुत प्यारे तरीके से मैनेज कर रहे हैं ये जो लोग माशाल्लाह। मान का ये साथ ही देख सकते हैं कि ये ज़मीन भी अपनी है, यहाँ पर ये मकई लगी हुई है साथ माशाल्लाह। ये बच्चे जा रहे हैं यहाँ से, बहुत प्यारा सेटअप है भाई इनका माशाल्लाह। जी यासर साहब, ये सारे बख्तू के, ये सारे बख्तू के बच्चे, अच्छा जो डॉक्टर साहब फिलहाल आपके पास है अभी सही सही है, ये बख्तू के बच्चे हैं भाई माशाल्लाह, जो आजकल इनके खास डॉक्टर साहब के पास है, मैं देख चुका हूँ उसे कुछ दिन पहले माशाल्लाह जी, क्या चेक करें भाई, क्या बात माशाल्लाह। ये बच्चे माशाल्लाह, वहाँ से दिखाएं डॉक्टर साहब, वहाँ से पता चलेगा, यहाँ से तो छोटे से ज़्यादा ज़्यादा जी बच्चे, आओ ज़रा डॉक्टर साहब, थोड़े बड़े बच्चे देखते हैं आप, बाकी सपोर्ट कीजिएगा भाई, बहुत अच्छा शो कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मैंने सुना कि ये काम करेंगे सीमन पर, अल्लाह करे ये कामयाब हो जाए, काम करना शुरू कर दें, अभी तक मुझे कोई सीन नहीं नज़र आता पाकिस्तान में कि कोई सीमन पर काम कर रहा हो, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है क्या होगा अभी आगे माशाल्लाह। अच्छा सब करें भाई, जो जानवर है ना हाँ। ये रैम्बो रैम्बो हमारा बोल रहा है, ये कलर वाइज बुरा था, अच्छा तो आजकल हमारे दोस्त के पास ब्रीड कर रहा है, ये ज्यादा उसके बच्चे, ज्यादा उसके बच्चे हैं माशाल्लाह, रैम्बो, ये रैम्बो के बच्चे हैं ज्यादातर, चेक करें भी माशाल्लाह। काफ़ी अच्छे बच्चे हैं माशाल्लाह, कट्टे वगैरह काफ़ी हैं यहाँ पर, कितने को कट्टे होंगे डॉक्टर साहब, चार पाँच है हमारे पास, अच्छा इधर, हाँ जी सही माशाल्लाह, चार से पाँच कट्टे हैं, ये एक चक्कर है माशाल्लाह, बहुत प्यारा कट्टा है ये, ये किसका बच्चा है, ये भी रैम्बो का, रोमियो का माशाल्लाह, क्या बात है, बहुत प्यारा बच्चा ये भी माशाल्लाह जी, ज़बरदस्त। और कोई यासर भाई खूबसूरत कट्टी काट दे, नील वाली काट, कट्टी राम वाली कट्टी काट, कट्टी माशाल्लाह, कैसी कट्टी है ये,
कमाल का स्ट्रक्चर आ रहा माशाल्लाह। इसका पुट्ठा बड़ा कमाल का भाई, ये देखे ये वाली चले ठीक है। यासर भाई बहुत शुक्रिया।